अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फियाज मोहसिन और आप देख रहे हैं इन्फॉर्म टीवी। पाकिस्तानी तलबा दुनिया के किसी भी कोने में हों, अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों की वजह से मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र साबित होते हैं और कामयाबियां समेट कर मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं। ऐसे तलबा पर पूरी कौम फ़ख्र करती है और उनकी सलाहियतों को सराहती है। हाल ही में एक पाकिस्तानी तलबा ज़ारा नईम ने भी ACCA के मुश्किल इम्तहान में टॉप करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली ACCA की तलबा ज़ारा नईम ने दिसंबर 2020 में मुनक़द होने वाले ACCA की फिनंशियल रिपोर्टिंग के इम्तहान में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए और आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मज़कूरा इम्तहान में तकरीबन 179 ममालिक के 5,27,000 से ज़ायद तलबा ने तालीम हासिल करने के बाद इस इम्तहान में हिस्सा लिया और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली तलबा ने टॉप करके अपनी कामयाबी से सबको हैरत में मुबतला कर दिया। ज़ारा नईम को इस कामयाबी पर मुल्क भर से मुबारकबादी पैगामात मौसूल हो रहे हैं और कहा गया कि कौम की बेटी ने तालीम के शोबे में मुल्क का नाम रोशन करके खुद को कौम के लिए बाइस फ़ख्र साबित किया है। ज़ारा ने अपनी कामयाबी अपने वालिद के नाम किया है और कहा कि मेरे वालिद ने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की। मेरे वालिद ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया ताकि मैं तमाम मसनूई रुकावटों को अबूर करके अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश करूँ। ज़ारा नईम की इस कामयाबी पर वफाकी वज़ीर इत्तला'आत शिबली फराज ने माइक्रो बॉयलिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में मुबारकबाद दी और कहा कि ज़ारा नईम का ACCA के इम्तहान में टॉप करना कौम के लिए बाइस फ़ख्र है।